हमेशा बहुत ही शरीफ और मुखलिस लड़की है, और तुम्हारी बीवी होने की हैसियत से वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। आज मैंने उसे देखा, वो तुम्हारे लिए रो रही थी, आंसू बहा रही थी। वाह, यानी कि मुझ नाचीज के पास उसके आंसू तुझे लेके आए। हाँ, वैसे बड़ी खुशकिस्मत है मेरी भी। मतलब उसके शौहर के अलावा किसी और को भी फिक्र है उसके आंसुओं की। ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अपने दिल से शक के जहर को बाहर निकाल। तुमसे बार बार कह रहा हूं, तुम्हारी बीवी होने की हैसियत से तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मेरे और उसके दरमियान कुछ भी नहीं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा महसूस नहीं कर रही है। मुझे डर है खुदा न खास्ता अगर इस हालत में उसको कुछ हो गया तो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही बेहिस इंसान हो, बहुत पछताओगे तुम। निकल यहां से। मुझे कोई पछतावा नहीं है, समझ आई तुझे? चल बेटा निकल, चल चल। मुझे लगता था कि तुम बहुत अकलमंद इंसान, लेकिन तुम तो एक नंबर के बेवकूफ निकले। ये भी भूल गए कि रमशा के साथ रहने का तुम्हें कितना फायदा हो सकता है। क्या फायदा होगा समझे? याद है तुम्हें मैंने क्या कहा था? रमशा को खुश रखोगे तो जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। लगता है ये डील भूल गए तुम। मैं एक बार फिर तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूं, रमशा को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचाओ, उसे खुश रखो। अपना वादा पूरा करना मेरा अपना काम। ऑफर दोबारा कर, सोचने का वक्त ले। एनी, ये रोना धोना बंद करो। अब मेरी तोल जैसी बहन इतनी तकलीफ में, आप लोगों को जरा एहसास नहीं है? भैया को बोले ना रमशा को घर लेके आए। तुम्हें क्या लगता है
कि मैंने शानी को नहीं कहा होगा। कई बार कह चुकी हूँ, सुनता ही नहीं, जिद्दी है। मैं तो खुद तंग आ गई। मुझे कुछ नहीं पता, चलें आप कासिम साहब के यहाँ। मैडम शो को इस वक्त मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। कासिम साहब के यहाँ नहीं जा सकते? क्यों अम्मी, क्यों नहीं जा सकते हम? हम कब से इतने बेहोश हो गए कि हम उसे छोड़ दें अकेला तकलीफें सहने के लिए? मौके की नजाकत को समझो है, मेरे पास कासिम साहब के सवालों का कोई जवाब नहीं, उनका सामना नहीं कर सकती। जब तक शानी का गुस्सा नहीं उतर जाता, हमारा वहां ना जाना ही बेहतर। और हाँ, अगर तुम्हें अपनी दोस्त की इतनी फिक्र है ना, तो तुम दुआ करो अल्लाह से। कि अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरी करे, शानी के दिल में रहम डाले। और उसके लिए मोहब्बत डाले और शानी खुद उसे जाके मना के लिया। मुझे अपने घर वापस जाना है। बैठो यार बेटा। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हारे ससुराल वाले आए और तुम्हें ले जाए। मैं कई दिनों से अनवर को फोन मिला रहा हूँ, लेकिन वो फोन पिक नहीं कर रहा। वैसे रमशा, मैंने ऐसे ससुराल वाले तो आज तक नहीं देखे।